अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फातिमास किचन। आज हम बनाएंगे ढाबा पनीर। ढाबा पनीर बनाने के लिए 250 ग्राम मैंने पनीर को क्यूब साइज़ में कट करके रखा है। दो प्याज है जिसे मैंने ग्रेट करके मतलब कद्दूकस करके रखा है। दो टमाटर की मैंने प्यूरी बना के रखी है, मतलब इसे नॉर्मली तरीके से पीस के रखा है। फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 या 3 बड़े चम्मच हम तेल के इस्तेमाल करने वाले हैं। बटर लेंगे हम, जितना ज़्यादा बटर ले सकते हैं उतना लेंगे, इससे और भी ज़्यादा टेस्ट पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम लेने वाले हैं बेसन 1 बड़ा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 से 1.5 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। कुछ खड़े गर्म मसाले हैं, लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची है और सिनेमन स्टिक मतलब दालचीनी है जिसे मैंने तोड़ के रखा है। ज़ीरा लेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर लेंगे 1/2 छोटा चम्मच और ये भुना ज़ीरा पाउडर है इसे भी हम 1/2 छोटा चम्मच लेंगे। काली मिर्च पाउडर है 1/2 छोटा चम्मच लेंगे। गरम मसाला पाउडर है इसे भी हम 1/2 छोटा चम्मच लेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच लेंगे। हल्दी पाउडर है, सब चीज़ हम 1/2 छोटा चम्मच ले रहे हैं सिवाय नमक के जो हम टेस्ट अनुसार लेंगे। फिर हम ले रहे हैं यहाँ पे धनिया पत्ती और 2 हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने चॉप करके रखा है। सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल ले रही हूँ मैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मतलब 1/2 छोटा चम्मच और 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर भी डाल देंगे। फिर हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। फिर जो हमारे पनीर है हम इसमें डाल के हल्के हाथों से बिल्कुल इसे मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से इसलिए मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो पनीर है वो टूट सकते हैं अगर हम जल्दी में इसे मिक्स करेंगे, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे मिक्स कीजिए और इसे रेस्ट करने छोड़ दीजिए 15 मिनट के लिए। तब तक के लिए हम यहाँ पर एक पैन गर्म कर लेते हैं और उसमें तेल डाल देते हैं और तेल के साथ में हम इसमें बटर डाल देते हैं। मैंने यहाँ 2 क्यूब्स डाला है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ मैं 1/2 छोटा चम्मच और साथ में खड़े गरम मसाले जो हमारे हैं वो सब डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 30 सेकेंड्स के लिए इसे फ्राई कर लेंगे हम। तो ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें जो हमने प्याज को कद्दूकस करके रखा है वो हम इसमें मिला देते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। अच्छी तरह से भून लेंगे, साथ में हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी मिला देते हैं। फिर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और 3 मिनट तक के लिए हम इसे कुक करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुना रहा है, प्याज का जो कलर है अच्छी तरह से चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और साथ में हमारे जितने भी पाउडर मसाले हैं वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, हम सब चीज़ डाल के मिक्स कर देंगे। सब आप आधी आधी चम्मच ही डालिए क्योंकि सारे गरम मसाले ही हैं एक तरीके से जो हमारी स्पाइसी बनाएगा डिश को, और साथ में हम हरी मिर्चें भी डाल रहे हैं। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं बेसन डाल दूंगी इसमें 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच मैंने बेसन का डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। साथ में मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल देती हूँ जिससे काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाती है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए आप। फिर अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर प्यूरी जो हमने टमाटर को पीस के, आप टमाटर की पेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये अब मैंने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये देखिए ये ऐसी हो गई है। अब मैं इसे लीड लगा के 5 मिनट के लिए कुक होने दूंगी। तब तक यहाँ पे मैंने एक दूसरा पैन गरम कर लिया है और इसमें 1 बड़ा चम्मच मैं तेल के डाल रही हूँ और जो हमने पनीर को मैरिनेट करके रखा था इसमें मीडियम फ्लेम में हम फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। ज़्यादा फ्राई करने से हमारे जो पनीर है वो कड़े हो जाएंगे, तो हमें अपने पनीर को सॉफ्ट रखना है, कड़े बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए 1 से 2 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है मीडियम फ्लेम में। अब देखिए हमारी ग्रेवी भी जो है पूरी तरह से भुन जा चुकी है। तो अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं और हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेते हैं और साथ में जिसमें हमने पनीर को फ्राई किया था उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है और वो पानी को अब हम इसमें डाल दिए हैं।
और मैं छोटे स्पून से इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारे पनीर के जो क्यूब्स है वो टूटेंगे नहीं। अब 3 मिनट के लिए मैं इसे लीड लगा के कुक करूँगी मीडियम फ्लेम में या फिर लो फ्लेम में। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं आपको पनीर तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ही ईजिली टूट जा रही है। तो ये बिल्कुल तैयार है। सो नाज़रीन, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।